हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। आज हम बनाएंगे अंडा कतली, जिसके लिए हमने चार बॉयल अंडे लिए हैं और हर एक अंडे को इस तरह से चार लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च बारीक चॉप्ट की हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप किया हुआ, 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक चॉप्ट की हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 बड़े प्याज बारीक चॉप्ट किए हुए, 1 टमाटर बारीक चॉप्ट किया हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 4 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ हमने पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल के गरम होते ही प्याज डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। ये हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चॉप्ड मिर्च, अदरक और लहसुन डाल देंगे। 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। करीब 2 मिनट के बाद ये टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट बाद ये हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, जिससे कि ग्रेवी नीचे चिपके ना, और अच्छे से मिक्स करके इसको और 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। करीब 1 मिनट बाद ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें अंडे की कतली डाल देंगे। और धीरे धीरे हल्के से मिक्स करेंगे, जिससे कि अंडे बिखर ना जाए और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे। एक मिनट बाद ये हमारी अंडा कतली रेडी है। धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे, हल्के से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। गर्मा गर्म रोटी या ब्रेड के साथ सर्व करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।